सशक्त सरकार चल रही है, निरंतर ये सरकार चले, ये संकल्प लेकर ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर हम सबके बीच लेकर चुके हैं, उन्हीं कड़ी में आज की ये रैली अब भाजपा बंद कर दीजिए, लोकसभा चुनाव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये। भारतीय जनता पार्टी की आज देश भर में बाइक रैली की आयोजन हो रही है, हर विधानसभा क्षेत्र में। ये हमारे लोकसभा चुनाव की योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी इस कार्यक्रम के शुभारम्भ के लिए आए। ये हमारे लोकसभा चुनाव का शंखनाद है और इस बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने में सफल होगी। एक विजय रैली आप निकाल रहे हैं, एक विजय भारत को कल मिली है, अभिनंदन की सकुशल घर वापसी की। अभिनंदन का अभिनंदन है और अभिनंदन पर हम सबको गर्व है। राजनीति हो रही है लेकिन अब इस पे कह रहे हैं कि भाजपा जो है सर्जिकल स्ट्राइक और ये जो एयर स्ट्राइक हुई इसका राजनीतिक फायदा उठा रही है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकी ओछी मानसिकता का परिचय गए। साथ में विश्वास सरंग हमारे साथ मौजूद है, कैसे लेते हैं मध्य प्रदेश में 29 में से 26 सीटों पर भाजपा का कब्जा है लोकसभा की, अब बढ़ेगी या घटेगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी और इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए पूरा प्रदेश नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। हम सब मिलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे भाजपा के माध्यम से और इस देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नरेला विधानसभा से बीजेपी के विधायक विश्वास सारंग, जिन्होंने आज विजय संकल्प रैली की शुरुआत की है राजधानी भोपाल से और निशाना साधा है विपक्ष पर, एयर स्ट्राइक को लेकर के जो बात की जा रही है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जो बात की जा रही है, उन तमाम चीजों पर। कैमरामैन राहुल चेतकर के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल।